नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस स्पेशल वीडियो में, बहुत ही खास वीडियो जिसका शीर्षक है साइकेटिस्ट की सगाई। जी हां दोस्तों, आप सभी ने सोशल मीडिया के द्वारा जो हमारी जो एक एंगेजमेंट सेरेमनी हुई है उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियोज, उसका उत्साह और वो जो सेलिब्रेशन है उसको आपने महसूस किया होगा। आज उसी पे एक चर्चा है, मेरी तरफ से एक संदेश है और ये संदेश खास तौर पर मैं अपने परिवार को, मैं अपनी फैमिली को, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे नज़दीकी फ्रेंड्स, दूर के फ्रेंड्स, बहुत दूर रहने वाले फ्रेंड्स, हर प्रकार के जो मित्रगण हैं, ऐसे सभी लोग जो हमारी सोच पर कुछ विश्वास करते हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैं उन सभी के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उन सब पलों को रिकैप करना चाहता हूँ जिसके अंतर्गत एक साइकेट्रिस्ट की सगाई हुई, क्योंकि साइकेट्रिस्ट जो मनोचिकित्सक है उसका काम यही होता है, उसका माइंड ऐसे ट्रेंड होता है कि हम खुशियाँ दें, लोगों को अच्छा महसूस कराएं, उनकी फीलिंग्स को अच्छा करें। तो दोस्तों, ये जो इवेंट हुआ था इसकी भी जो पूरी जो प्लानिंग की गई थी वो इस प्रकार से थी कि उनको बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो। और ऐसे ऐसे कमेंट मेरे पास में आ रहे हैं कि पिछले 10 साल 15 साल में जो दुख थे उनके, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि भी मेरी जो मेरे परिवार के सदस्य, जिसमें मेरी बुआ जी, जिसमें मेरी मामी जी, जिसमें मेरी मौसी जी, तो ये इतने खुश हुए हैं उसके अंदर कि आप पूछो ही मत। वो कह रहे हैं हमारे पिछले 10 सालों के अंदर हमें इतनी खुशी नहीं मिली जितनी उस दिन खुशी मिली है। तो दोस्तों, उस खुशी को हम किसी भी तरीके से खरीदा नहीं जा सकता, उस खुशी को हम उस दिन उनको डिलीवर कर सके, उनको हम दे सके, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इस इवेंट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से हमारा जो एंट्री हुई थी उस वक्त स्वागत किया गया, फूलों की बरसात की गई, हमने इस दिन बाबा साहब को, बुद्धा को, इनको याद किया और इनकी बहुत ही अच्छी आवश्यकता भी पड़ेगी इस वीडियो के अंत के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या संदेश मिला और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट संदेश है और इसके अंदर बाबा साहब और बुद्धा की जो साइकोलॉजी है, उनकी जो सोच है उसको भी इसके अंदर लिया जाएगा। आप बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और इसके साथ में बहुत ही ग्रांड तरीके से मेरे जो नाना जी हैं, दादा जी हैं, उनका आशीर्वाद लिया गया, उसके बाद में बुआ जी और मौसी जी, उनको एक साथ बुलाया गया, वो स्टेज पर आए, वो बड़ी ही खुशियों से जो है उन्होंने हमारे साथ में उस दिन को सेलिब्रेट किया। और आप फोटो देख सकते हो कि स्टेज पर जो उनका नृत्य था, उस नृत्य ने उस पलों को बहुत ही ज़्यादा यादगार, बहुत ही ज़्यादा उन पलों को ऐसे पल बना दिए जो कभी भुला ही नहीं जा सकते, न केवल मेरे लिए, उन सब के लिए। इसके साथ में इवेंट के अंदर हर प्रकार की चीज़ें, जिसके अंदर फोटोशूट, जिसके अंदर डांस, जिसके अंदर गाना, जिसके अंदर सिंगिंग, जिसमें म्यूजिक, जिसमें बैकग्राउंड जो म्यूजिक था वो बहुत ही शानदार ढंग से हर एक स्टेप के लिए जो है उसको प्लान किया गया। इसके अंदर स्पेशल हमारे जो गेस्ट आए थे, ऐसी हस्तियां आई थी जिन हस्तियों से मिलने के लिए भी दो दो दिन का, पाँच पाँच दिन का वक्त लगता है, जिनको मिलने के लिए, जिनसे 10 मिनट अगर मिला जाए तो भी हज़ारों रुपए की फीस लगती है, जिनके पास वक्त नहीं है, उनकी अपॉइंटमेंट पाँच पाँच दिन आगे की चलती है, ऐसी हस्तियाँ जिसके अंदर दिल्ली से मेरे जो दोस्त आए थे डॉक्टर नरेंद्र अमकिया जी, जैसे बाकी जो डॉक्टर्स आए थे, सत्यपाल ढाल बोस आए थे और पूरी जो टीम आई थी, और सबसे धांसू जो एक चीज़ें रही वो रही डॉक्टर कन्हैया की, जिसने सिंगिंग भी किया और न केवल सिंगिंग किया, सिंगिंग के बीच में जो है रोककर किस्सा भी सुनाया और उससे उस पूरे इवेंट को एक
सूत्र की तरह बांध दिया, जैसे एक माला होती है उसके अंदर जो मनके होते हैं उनको एक धागे से बांध देना तो वो कितनी सुंदर बन जाती है। और उसी तरह से इस इवेंट को इतना सुंदर बनाया गया, वहाँ पर मेरी तरफ से जो है एक शानदार तरीके से जो है डॉक्टर अंकिता को अंगूठी पहनाई गई और उसका बड़े ही चाव से बड़े ही उत्साह के साथ में पूरे परिवार ने स्वागत किया। मैंने जब वहाँ पर नी डाउन हुआ तो वो केवल इस बात का प्रमाण नहीं था कि वो केवल एक डॉक्टर अंकिता के लिए, जबकि एक ऐसा चीज़ था कि मेरी जो परवरिश है वो बड़े ही प्यारे ढंग से हुई है। मुझे जो है वो मम्मी का, पापा का, पूरे परिवार का प्यार मिला है। मुझे जो है वो बुआ जी का प्यार मिला है। मेरी बहुत सारी बुआएं हैं, 5 बुआ मेरी जो है, जो कि जैसे मेरे परिवार से ही, इसके अलावा बहुत सारी बुआएं हैं, मौसी जी हैं, नानी जी हैं। तो इन सारों का जो प्यार था उस दिन वहाँ पर दिख रहा था। तो इस प्रकार से हमारा ये जो इवेंट हुआ बहुत ही ग्रांड तरीके से हुआ और इसकी जो फोटोज़ है वो आप सभी के पास में भी आई होगी, नहीं आई तो इस वीडियो के लिंक से आप देख सकते हो। बहुत ही उत्साहित तरीके से हमने इस इवेंट को मनाया। दोस्तों, इस इवेंट के अंदर एक बात और आपने नोटिस की होगी, तो इसकी स्क्रिप्टिंग के अंदर स्टार्टिंग से लगा के एंट्री से लगा के और रिंग सेरेमनी तक, जब तक हमारी रिंग एक्सचेंज हुई तब तक, इस इवेंट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था। वो एक साइकेट्रिस्ट का माइंड आप कह सकते हो, या मुझे एक आशीर्वाद मिला था उसकी वजह से वो हुआ, जिसके अंदर मैं बड़ी सफलता ये मानता हूँ, जिसके अंदर रुपये पैसे का किसी प्रकार से कोई रोल नहीं था, जिसके अंदर कोई गिफ्ट का भी रोल नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत से अच्छे से लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया। और उसके बाद फिर मैंने इस इवेंट को ओपन रखा कि आप, हमने हमारी तरफ से इस इवेंट को आपको दिया है, आप कुछ भी करना चाहे, आप इसके अंदर कुछ भी, अगर कुछ उपहार लाए हैं तो भी, अगर कुछ नहीं लाए हैं तो भी, आप कुछ भी करना चाहे, हमारे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहें, जैसे भी आप इसको मनाना चाहें, आप गाना गाना चाहें, आप डांस करना चाहें, ये ओपन था। आप अपने मन की बातें कहना चाहें, ओपन था। ओपन रहने के बाद हमें समाज की बहुत सी प्रकार की जो विचारधाराएं उनका भी हमें ज्ञान हुआ, जो ज्ञान पहले नहीं था, जिसके अंदर सिर्फ 2-3 प्रकार की मैं बातें कहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। उन्होंने उस विचारधारा को वहाँ पर खुलकर रखा, इस वजह से हमें पता चला और वो सारे लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। हो सकता है इससे थोड़ा सा उनके मन के अंदर ठेस पहुँचे, लेकिन ये बात भी बहुत ज़रूरी है जिससे हम आगे की जो चीज़ें हैं उनको सुधार सकें। तो पहली जो चीज़ थी वो ये था कि भी समाज के अंदर देखो एक डिमांडिंग जो एक बिलीफ होता है, डिमांडिंग बिलीफ क्या होता है कि समाज, देखो आज से सदियों पहले, आज से कुछ साल पहले तक भी समाज के अंदर जब एक शादी होती थी तो लड़की जो है उसके आंखों में आंसू आते थे, वो रोती थी, वो खुश नहीं होती थी। तो उसके पीछे की बहुत सारी वजह थी, बहुत सारी कारण थी। वक्त बदला, एजुकेशन बदला, सिस्टम बदला और इस संविधान की बदौलत, इस नई विचारधारा की बदौलत बहुत सारी चीज़ें बदली और आज एक खुशी से शादी हो रही है, ये बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन अभी भी समाज के अंदर एक डिमांडिंग बिलीफ जो है वो भी मौजूद है और ये बिलीफ उतने सारे लोगों में, जिसमें लगभग 100 परिवार उस दिन उस प्रोग्राम को अटेंड किया था, लेकिन उसमें से मैं ये मानता हूँ कि 2%, सिर्फ और सिर्फ 2% ऐसे थे जिनके अंदर एक डिमांडिंग बिलीफ था। डिमांडिंग बिलीफ क्या होता है दोस्तों, कि भाई हम लड़के वाले हैं, वो लड़की वाले हैं। ये बात थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी कठिन है कि हम लड़के वाले हैं, थोड़ी सी वो लड़की वाले हैं, और लड़के वालों का हक होता है कि वो डिमांड करे कि हमें ये चाहिए, हमें ऐसा कपड़ा चाहिए, हमें ये करवाया कि नहीं करवाया, हमें ये चीज़ दिया कि नहीं दिया, हमें ये चीज़ किया कि नहीं किया, इस प्रकार का बिलीफ होता है। तो दोस्तों, मैं इस बिलीफ को पूरी तरीके से आपके माइंड से गायब करना चाहता हूँ और ये मेरा धर्म भी है, ये मेरा कर्म भी है और ये मेरा दायित्व भी है और ये मेरी एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि स्टेज पर भी डॉक्टर जो है वहाँ पर कन्हैया ने ये बोला था कि ये एक जवाई के तौर पर जो है वो इनके साथ में नहीं है, ये एक बेटे के तौर पर जो है इनके साथ में इनका एक संबंध है। तो मैं डॉक्टर अंकिता के परिवार की ओर से और मेरी तरफ से, मैं अपने अपने अपनी तरफ से
आज इसको मैं बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना चाहता हूँ, वो आप आगे आने वाले वक्त के अंदर इसी वीडियो के साथ में आप देखोगे। दोस्तों दूसरी जो बात मुझे ये लगी कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हमने उस पूरे इवेंट के अंदर ये कोशिश की कि सभी को बहुत अच्छे से खुशियाँ मिले, हमने उस इवेंट के अंदर जो भी प्लानिंग की, हमने उसके अंदर जो भी कोशिश की वो खुशियों की कोशिश की, और वहाँ पर सारे लोग बहुत ही अच्छे से खुश होकर, बहुत ही अच्छे से आनंदित होकर, वो उत्साह मनाकर, देखो हम मिलकर अगर किसी इवेंट को मनाते हैं तो उसका उत्साह एक अलग ही होता है, वो करके वो लोग गए। तो अब लेकिन उसके अंदर भी एक चीज़ ये रही कि हमें, हमारे अंदर देखो इतने सारे लोग होते हैं, अलग अलग माइंड होता है, हर एक इंसान की अलग साइकोलॉजी होती है, वो अपनी साइकोलॉजी से बात करता है, सोचता है, समझता है और क्या डिसीजन लेता है, वो अपने निर्णय अपने साइकोलॉजी से, अपनी मानसिक जो उसकी बुद्धि है, उसके अंदर जो विश्वास बैठा है, उसका बिलीफ सिस्टम है, उससे वो लेता है। लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे इशू होते हैं कि उसने ऐसे कहा, इसने इस तरह से क्यों कहा, इसने ये चीज़ कहा वहाँ पर, इसने ये बात बोल दी, उसके रेस्पॉन्स में उसने ये बात बोल दी। तो हमें अगर आगे बढ़ना है और एक बड़ा लक्ष्य लेना है, अब वो बड़ा लक्ष्य क्या है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो उसके लिए हमें एक इशू मैनेजिंग टेक्निक है, इशू मैनेजिंग जो स्किल है वो सीखना पड़ेगा कि हमें ऐसे इवेंट में या वैसे भी हमारे परिवार में बहुत अच्छे से तालमेल रहे। इसके लिए ये है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई जो इशू है वो नहीं होना चाहिए, हमें उस इश्यू को मैनेज करना आना चाहिए और इसकी जो स्किल है वो सीखना हमें पड़ेगा। तो उसके लिए, सीखने के लिए भी हमें छोटे छोटे इशू को सीखना है, किसे उसको मैनेज करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं वो अभी आपको बताऊंगा। तीसरी बात उससे ये निकली कि दोस्तों हमें एक ऐसी सोच डेवलप करनी होगी, एक ऐसी सोच डेवलप करनी होगी जो कि बहुत बड़े परिवार को जो है संभाल पाए। हमें अपने अंदर एक ऐसी सोच को पैदा करना है, वो सोच क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो वो एक बड़े परिवार को, जिसके अंदर अभी जो हमने इस इवेंट के अंदर, क्योंकि ये सगाई का कार्यक्रम था, इसके अंदर हमने 100 परिवारों को जो है वो यहाँ पर बुलाया था, लेकिन हमारा परिवार बहुत बड़ा है और इस परिवार के संभालने के लिए हमें एक सोच चाहिए और हमारा परिवार कितना बड़ा होगा एक लक्ष्य भी चाहिए। तो आइए हम उस पर आते हैं जो बहुत पॉजिटिव बातें हैं। अब तक जो मैंने बात बोली है वो बड़ी नेगेटिव सी बातें थी, आपको बुरा भी लगा हो। पॉजिटिव बातों के अंदर सबसे पहला जो मैंने बात बोला था कि समाज के अंदर एक डिमांडिंग बिलीफ है कि हम लड़के वाले हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये मिलेगा, हमें ये चीज़ होगा, हमारी उम्मीदें होती है। ये आपका गलती नहीं है, आपका दोष नहीं है, आपने कुछ वहाँ पर गलत बोला या फिर कुछ गलत तरीके से वहाँ पर रिएक्ट किया, वो चीज़ नहीं है, ये आपके माइंड के अंदर छुपा हुआ एक बिलीफ है। तो दोस्तों इस बिलीफ को कैसे मिटेगा, वो आज ही और अभी तुरंत मिटेगा। अभी आप जिस वक्त भी इस वीडियो को देख रहे हो, भले आप पॉज करके अपने माइंड के अंदर से ये फाइल जो है उसको आप डिलीट कर देना, जैसे आप अपने फ़ोटो जो है अपने मोबाइल से डिलीट कर देते हो जो अच्छी नहीं आती है। ये हमारे समाज की एक अच्छी पिक्चर नहीं है कि हम किसी से डिमांड करें, तो ये डिमांड यहीं पर ही रुक रही है, जिसके साथ में ये है कि अब के बाद में मेरे इवेंट के अंदर, मेरे शादी का इवेंट हो, मेरा रिसेप्शन का इवेंट हो या कोई भी इवेंट है, उस इवेंट के अंदर मैं आपको खुशियां दूंगा, मैं आपको जितनी मेरे से हो पाएगी मैं आपको खुशियां दूंगा, आपको आनंदित करूंगा, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपके दुख दर्द सब आप भूल जाओ, आपको मैं ऐसा माहौल दूंगा। लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दीजिए इस विचार के साथ में कि अब के बाद में मेरे सारे इवेंट के अंदर किसी प्रकार का कोई भी जो पैसा है वो आप वहाँ पर नहीं दोगे, 100 रुपये 500 रुपये जैसे आप अपने देते हैं वो पैसा नहीं दोगे, आप वहाँ पर कार्ड नहीं दोगे, आप वहाँ पर आए हो, आपने हमसे मिला है, आप हमसे मिले हो और आप वहाँ पर उसको उत्साहित तरीके से मना रहे हो उस सेलिब्रेशन को, इससे बड़ा कोई शगुन नहीं है। आप वहाँ पर कार्ड नहीं दोगे, तो पैसा नहीं दोगे, कार्ड नहीं दोगे, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई गिफ्ट नहीं दोगे, आप जो पैक करके गिफ्ट देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं दोगे, वहाँ पर आप कपड़े नहीं दोगे, वहाँ पर आप कपड़े नहीं दोगे, तो ऐसा कुछ भी चीज़ें वहाँ पर नहीं चलेगी। अगर आप कुछ देना चाहते हो, नहीं जी हम तो कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप क्या दे सकते हो, आप हमारी जो लाइब्रेरी है, जो बुक लाइब्रेरी है उसके अंदर आप योगदान दे सकते हो, जिसके अंदर आप किताब लेके आओ, सिंपल आप किताब, कोई उस ऊपर
ऊपर कुछ भी आपको वहाँ पर कुछ चढ़ाने की कवर चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। सिंपल किताब आप लेके आओ जो आपको अच्छी लगती हो, उसके अंदर अपनी फीलिंग्स को लिख सकते हो, नीचे अपना नाम लिख सकते हो उस पर, और वो आप सिंपली वहाँ पर हमें दे सकते हो, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हम भी आपको अगर कुछ देना चाहें, क्योंकि इवेंट के अंदर हमारा मुख्य लक्ष्य है खुशियाँ देना, लेकिन फिर भी हम देना चाहें तो हम आपको किताब देंगे। तो अब से रुपये पैसे और जो आप चीज़ें देते हो, गिफ्ट जो देते हो, जो आप वहाँ पर कपड़े देते हो, उसकी जगह हम सिर्फ और सिर्फ किताब को रखें। ये जो सिस्टम है बहुत ही उपयुक्त सिस्टम है और मैं इसको लागू करना चाहता हूँ। मुझे आप आशीर्वाद दें इसके साथ में, आप मुझे क्या दे सकते हो, मुझे आप आशीर्वाद दें। आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि हमारा जब रिसेप्शन का इवेंट हो, मेरा जब रिसेप्शन का इवेंट हो, तो वो इवेंट हमारी खुद की ज़मीन पर हो, खुद की धरती पर वो इवेंट हो, हम हमारी खुद की ज़मीन पर वो इवेंट करें, उसके लिए काम चल रहा है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस प्रकार से बनूं कि मैं बहुत सारी लड़कियों को, क्योंकि मैंने इसमें शिक्षा जोड़ी है, मैंने बताया था कि बाबा साहब को हमने नमन किया था, हमने इसके अंदर शिक्षा जोड़ी है, हमने किताब को जोड़ा है, हमने बुद्ध को नमन किया। वो कहते हैं कि तार्किक सोच, ये पुरानी सोच थी कि उस वक्त आप वहाँ पर डांस नहीं कर सकते थे, उस वक्त घूंघट बहुत भयंकर तरीके से था, उस वक्त बात नहीं कर सकते थे, आप अपने मन की बातें नहीं बता सकते थे, उस वक्त आपकी फीलिंग शेयर करने का साधन क्या था, कपड़े थे आपकी, कोई इस प्रकार की चीज़ें थी, तब वो होती थी जिसको उढ़ावनी बोलते हैं। तो अब आपको ये उढ़ावनी मेरा बात मानते हुए आपको बंद करनी चाहिए, और उसकी जगह आपको किताबें, और साथ में ये उढ़ावनी बंद करने की जो सोच है ये बुद्धा से आई है, जो कहते हैं तर्क संगत आप बात करो, तर्क संगत आपके विचार रखो, तर्क संगत आपके डिसीजन लीजिए। तो ये मेरा एक आपसे निवेदन है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ज़मीन अपनी हो, वो ऐसी ज़मीन हो जिसके अंदर न केवल मेरी बल्कि मैं बहुत सारी हमारे समाज की बहुत सारी लड़कियों को सबसे पहले मैं उनको पढ़ा सकूँ, किताब से मेरा संदेश जाता है उनको मैं पढ़ा सकूँ, उनको पढ़ाने के लिए मेरे पास में रुपये की पैसे की संसाधनों की कभी भी कोई कमी न आए। ये मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं उनकी एक बहुत ही अच्छी एक यादगार तरीके से उनकी मैं शादी कर सकूँ, और उस शादी के अंदर जो रुपया पैसा है वो सही जगह पर खर्च हो। मैं दो बातें आपके साथ में और शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी भी कोई सोना नहीं पहना था। ये अंगूठी अभी डॉक्टर अंकिता ने दी है और उसी ने ये पहनाई है, सिर्फ इस वजह से मैंने ये पहनी, इससे पहले कभी भी मैंने कोई सोना नहीं पहना था। दोस्तों मैंने कभी भी जो है पैसे नहीं उड़ाए थे, मेरे जो पैसे हैं मैंने कभी भी जैसे पैसे उड़ाते हैं यूँ करके, ऐसा मैंने बिल्कुल भी कभी भी नहीं उड़ाया था। एक बार मुझसे गलती हुई थी, वो थे कि डॉक्टर राजमल मीणा हैं कोटा में, तो वो और उनके जो वाइफ है वो वहाँ पर डांस कर रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग उड़ा रहे थे, मेरे से उड़ गए, मैंने जेब में निकाला और पैसे उड़ गए, लेकिन तुरंत मैंने गलती सुधार ली, मैंने देखा कि यार ये तो पैसे उड़ गए, अपनी जो विचारधारा से उल्टा काम हो गया, मैंने तुरंत उन पैसों को उठाया, उनको मैंने साफ किया और मैंने अपनी जेब में डाल दिया। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, देख रहे थे, लेकिन मुझे उनका बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने इस बात पर आया, क्योंकि जो पैसा हमें इतना मान सम्मान इज्जत खाना ये सब कुछ देता है, हम उनको बर्बाद ना करें, एक रुपये का भी बर्बाद ना करें, हम उनसे खुशियाँ लें, हम उनसे खुशियाँ बांटें, हम उनसे दुख दर्द दूर करें। अब मैं इससे आगे आता हूँ तो वो ये चीज़ है कि हम में छोटी छोटी बातें जो होती है वो बातें बड़ी फैल जाती है हमारे परिवार में और हमारे परिवार को तोड़ देती है। इसके लिए हमें इशू मैनेजमेंट जो टेक्निक्स है, इशू मैनेजमेंट जो एक सिस्टम है, जो स्किल है कि भाई छोटे छोटे इशू को हम कैसे मैनेज करें। बहुत से परिवार होते हैं जिसमें कहते अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं ये करके वो दबल, कोई कहते अरे यार आपने ऐसा कैसे कह दिया, ये आपने ऐसे कैसे कह सकते हो, आप हमने ये बोला तो हम आपको ये बोलेंगे। तो आप इसमें देखिए कि भाई कौन सा परिवार ज़्यादा मजबूत रहेगा, जो परिवार ज़्यादा मजबूत रहेगा वो बहुत अच्छे से एक दूसरे को संभाल पाएगा, अच्छे से अपने आप को केयर कर पाएगा, उनकी टेंशन बहुत कम होगी, उनको घबराहट चिंता किसी प्रकार का कोई फिक्र नहीं होगा, उनको बच्चों की पढ़ाई का फिक्र नहीं होगा, बच्चों की शादी का फिक्र नहीं होगा, और वो परिवार बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, वो परिवार बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो क्यों ना हम इशू मैनेजमेंट स्किल को अपनाएं। इसके लिए मैं आपके लिए 5 क्लासें लगाना चाहता हूँ। इस क्लास के अंदर मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बुलाऊँगा और मेरी इसी वीडियो के द्वारा एक अपील रहेगी सभी से कि आप इन छोटी छोटी बातों को छोड़ें और उस 5
जो हम सेमिनार करेंगे, जो ये ऑनलाइन सेमिनार रहेगी, और इसके अंदर इस वीडियो के द्वारा मैं इनवाइट करना चाहता हूँ डॉक्टर कन्हैया को कि वो भी एक दिन आएंगे अपने बिजी टाइम से, कीमती टाइम से अपना वक्त निकालेंगे और इस सेमिनार को भले आप 5 मिनट भी दें लेकिन वो ज्वाइन करेंगे और हमें बहुत ही काम की जो बातें वो बताएंगे कि हमारा परिवार और ज़्यादा मजबूत हो जाए। दोस्तों अब मैं, क्योंकि अभी वक्त जो है वो 21 मिनट का हो गया है इस वीडियो का, तो मैं एक ऐसी बात बोल रहा हूँ जो बहुत बड़ी बात है और वो मेरे परिवार के इतिहास के अंदर बहुत एक बड़ी चीज़ें जो हो रही है, और वो ये बात है कि हम एक ऐसी सोच डेवलप करें। ये सोच सिर्फ मेरी नहीं होगी, ये रेस्पॉन्स आपकी तरफ से आना चाहिए। मैं आपको फ़ोन करके पूछूंगा कि मुझे वो सोच बताइए, आप सोचिए, हर रोज सोचिए, कॉपी पर लिखिए, जिस दिन आपके पास वो सोच आ जाए मुझे आप भेजिए कि ऐसी क्या सोच है कि हम इस परिवार को एक बहुत ही एक टारगेट देवें। और वो टारगेट ये है, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे कि हमने एक पेज बनाया जिसका नाम है डॉक्टर सुरंकिता। ये जो डॉक्टर सुरंकिता है ये डॉक्टर सुरेश और डॉक्टर अंकिता से मिलकर बना है और तभी से ये जो चीज़ें हैं वो चली है। तो डॉक्टर सुरंकिता हाउस यानी हमारा जो घर है, हमारे घर के साथ में 1,000 फैमिली कनेक्टेड हो। कितनी फैमिली कनेक्टेड हो? 1,000 फैमिली हो, यानी हमारा जो परिवार है वो परिवार 1,000 फैमिली का परिवार हो। ये मैं आप सभी को एक लक्ष्य दे रहा हूँ कि हमारा परिवार 1,000 फैमिली का परिवार हो और उस 1,000 फैमिली के अंदर हर प्रकार के लोग हों, हर एक जाति के लोग हों, हर एक धर्म के लोग हों। हम सभी भारतवासी हैं, हम हर एक भारतीय इसके लोग हों। हो सकता है बाहर भी हमारे अगर दोस्त हैं तो वो भी लोग हों। इनसे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमें उनसे सीखने को मिलेगा, हमारी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम ग्रोथ करेंगे, हम आगे किस प्रकार से बढ़ें हमें इसके इसका भी हमें पता चलेगा। और ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और ये सब लक्ष्यों से ऊपर लक्ष्य है। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम 1,000 परिवारों का, जो जो हमारी फैमिली है उसके अंदर 1,000 परिवार को हम संभाल पाएं, हम ऐसी सोच बनाएं। और वो सोच ये है कि आज अगर किसी भी इंसान की, अगर किसी भी इंसान के साथ बनती नहीं है तो हम पहले जाकर देखें कि आज से कितने साल पहले बन रही थी, कि आज से 5 साल पहले अगर उसकी बन रही थी, ठीक है, बनने के बाद में फिर टूटी क्यों? और वो अब तक अगर टूटी टूटी हुई है तो इसका मतलब पहले, जब 5 साल पहले जो उन्होंने निर्णय लिया था, जो डिसीजन लिया था, वो डिसीजन उनका गलत था। वो उस डिसीजन को जैसे ही हम ठीक कर देते हैं, उनको बताते हैं कि आपका डिसीजन गलत होने की वजह से आज ये नहीं बन रही, आप अपने डिसीजन को ठीक कर लीजिए। अगर वो डिसीजन को ठीक कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद उनके विचारों के अंदर परिवर्तन आएगा, उनके विचारों के अंदर परिवर्तन आते ही इधर के विचारों में परिवर्तन आएगा और दोनों की बनने लग जाएगी। और इतना ही नहीं, हमारे जितने भी जो मित्र लोग हैं, हमसे जो फेसबुक पर जो लोग जुड़े हुए हैं, हमसे जो जहाँ कहीं भी जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमसे जो लोग सुविधाएं लेते हैं, वो भले बीमार हो नहीं बीमार हो मिलने आते हैं, वो सारे हमारे परिवार हैं। हम उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम में आए, हम ऐसा परिवार बनाएं, 1,000 फैमिली का परिवार हो, इसी उम्मीदों के साथ, इसी संदेश के साथ कि हम ये सारी जो मैंने जो बातें बोली है ये हम पूरी कर पाएंगे, हम इतने सक्षम बन पाएंगे। इन्हीं के साथ में मैं आपको इस वीडियो के अंदर विदा चाहता हूँ आपसे। हम मिलेंगे बहुत जल्द, हमने जो बातें की उन पर हम काम करेंगे और आप सभी का सहयोग मुझे मिलेगा, पक्का मिलेगा। मेरा जो परिवार है उसको मैंने साथ में देखा और इतना अच्छा मुझे लगा, इतनी प्यारी फैमिली मुझे मिली है, ये मुझे ऐसा आशीर्वाद मुझे जो मिला है ये आशीर्वाद बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं उस प्यारी फैमिली को ये सारी जो गिफ्ट है वो मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ और ये मैं पूरा अच्छे से कर पाऊँगा, मुझ पर आप सभी का आशीर्वाद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर सकते हो, आपकी बातों को, आपकी सोच को, आप जो भी कुछ बोलना चाहते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप जो है मुझ तक पहुंचा सकते हो, लिख सकते हो, मेरे पास आप फ़ोन कर सकते हो, मैं आपके पास में फ़ोन करूंगा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानूंगा और हम मिलते हैं, काम करते हैं बहुत जल्द। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो इस पेज को आप फॉलो ज़रूर करें, अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।